गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रद्युमन, योर मैथमेटिक्स टीचर फॉर क्लास 8, 9 एंड 10 इन मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल हिसुआ. स्टूडेंट, टुडे जस्ट आई हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 13B फॉर क्लास 8. योर चैप्टर इज टाइम एंड वर्क. इन प्रीवियस डे जस्ट आई हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 13A, जिसमें कि आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अप टू 29 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया. इन दिस चैप्टर जस्ट यू हैव टू ओनली सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो लेट अस स्टार्ट. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज से दैट ए एलोन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days. And B alone can do it in 15 days. In how many days will A and B together to do the same work? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है. आप इस टाइप के लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, है ना. यहाँ पे A वर्क का एक ही पीस तो है ना. A B और इसमें क्या कर दो, ए प्लस बी कर दो, है ना. सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है. इसमें आप ए प्लस बी, ए आपका कितने दिन में कंप्लीट करता है, एक्स डे में, बी बाई डे में, है ना. तो ये कितना पार्ट करेगा एक दिन में, टाइम टेकन टू डू द वर्क, और ये पार्ट ऑफ वर्क इन वन डे, है ना. ऐसा मैंने आपको बताया था, पार्ट ऑफ द वर्क फिनिश्ड वर्क इन वन डे. सिंपल सा आपको ऐसा मैंने बताया था. तो आपको एक्स डे में कंप्लीट करता है तो एक दिन में 1/x पार्ट, बाई डे में कंप्लीट करता है 1/y पार्ट एक दिन में. दोनों मिलकर के कितना कंप्लीट करेंगे, 1/x + 1/y. इसको इसके बाद जो भी होगा आपका उसका रेसिप्रोकल्स करोगे तो यहाँ पे टाइम मिल जाएगा. इसका रेसिप्रोकल्स उसका टाइम यहाँ पे है, इसका रेसिप्रोकल्स टाइम यहाँ पे है, है ना. तो इस तरह से रेसिप्रोकल्स जब आप करेंगे तो टाइम मिल जाएगा, है ना. ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा ही है, आप सॉल्व कर सकते हो. चलो ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपसे. अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर आपका 13B का सेकेंड क्वेश्चन देखें. ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days. He and his son working together can finish it in 3 days. In how many days can the son do it alone? चलिए हम लोग according to question चलते हैं. जो question कहा है हमारा उसी के आधार पे कि एज एक आदमी है 5 दिन में complete करता है एक वर्क को, है ना. तो यहाँ पे कितने दिन में मैन complete किया, 5 days में. यहाँ पे लिखेंगे 5 day में. एक दिन में कितना पार्ट, 1/5 पार्ट, है ना. और दोनों उसका उसका जो क्या है, उसका जो सन है और वो खुद कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो 3 days में, है ना. कितने दिन में, 3 days में वो कंप्लीट कर लेता है. तो अब बताना ये है कि आखिर उसका सन जो है अकेले कितना दिन में वो वर्क को कंप्लीट करेगा. तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि उसका जो बेटा है, सन है, वो बाई डे में कंप्लीट करता है. तो एक दिन में कितना पार्ट, 1/y पार्ट. जब दोनों काम करेंगे तब कितना पार्ट कंप्लीट होगा, तो 1/5 + 1/y हो गया. दोनों मिलकर के इतना पार्ट फिनिश करेंगे. तब जरा बताओ इसमें ये कि अब इसको जब हम सम करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो इसी का रेसिप्रोकल्स ने यहाँ पे टाइम देगा, या फिर ये दोनों का प्रोडक्ट है 1, ये दोनों का प्रोडक्ट है 1, तो इसका भी प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर. तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका प्रोडक्ट लेकर के 1 इक्वल करेंगे, बन जाएगा. ऐसा बनवाया जा चुका है. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. ए कैन डू ए जॉब इन 16 days एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 days. With the help of C, they can finish the job in 6 days. Then C alone can finish it in. तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप का है, है ना. इसमें आपका बिल्कुल इसी के जैसा है. बना लो A, B आपका क्या है, C है. A, B and C है, ठीक है. यहाँ पे दे दिया गया है.
अब सबका बारी बारी से हम लिख दें, ए कैन डू कितने दिन में ए कर रहा है, 16 डे, बी 12 डे विद द हेल्प ऑफ सी, है ना, दे कैन फिनिश द जॉब इन 6 डे, यानी कि तीनों मिल करके जब करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी 16 डेज में कंप्लीट होता है। ये आपका 16 डेज, सॉरी क्या दिया है, 6 डे दिया है जी, बन जाएगा 16 डेज, और ये 12 डेज, और इसको हम मान ले एक्स डेज, ये कितना पार्ट, 1/16 पार्ट, 1/12 पार्ट, और यहाँ पे 1/x पार्ट। तो एक दिन में तीनों कितना काम करेगा, 1/x प्लस 1/12 प्लस 1/16, तीनों को ऐड करोगे और जो रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और 1 लिखोगे, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में ये चलता है, देख रहे हो, इस दोनों का प्रोडक्ट 1, इस दोनों का प्रोडक्ट 1, इस दोनों का प्रोडक्ट 1, तो इसका भी प्रोडक्ट 1 ही होगा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से दैट ए टू कंप्लीट ए वर्क ए टेक 50% मोर टाइम देन बी इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट। क्या कहा गया है कि आपका ए और बी के बारे में कहा है, चलो ठीक है, दोनों एक साथ जब काम को करते हैं, कौन कौन, ए और बी, यहां पे आपका ए प्लस बी हो गया। ठीक है, आइए इस चीज को अच्छे से सॉल्व करें। According to question, A can take 50% more time than B. So suppose that A take X days. A take X days, then B कितना लेगा जी? सोच लो. B कितना लेगा time? Suppose A can take, B take X days. तो ये कितना लेगा? इससे 50% more. That means X plus x ऑफ 50% करोगे, यहां से ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 3x/2 आएगा। b से ये 50% मोर ले रहा है ना, ये आपको अगर जो b 2 दिन में करता है तो ये 3 दिन का समय ले रहा है ऐसा, और ऐसे भी अगर ये x डे ले रहा है तो x प्लस x ऑफ 50%, 50% मोर हुआ कि नहीं, x ऑफ 50% मोर, तो ये आया 2x 3x/2 डे में ये कंप्लीट कर रहा है, ये एक्स डे में कंप्लीट कर रहा है, बताओ ए एक दिन में कितना पार्ट फिनिश करेगा, तो 2/3x, बी कितना पार्ट फिनिश करेगा, तो 1/x, दोनों मिल करके 1/x प्लस 2/3x, और कितने दिन में दोनों मिलकर के कंप्लीट कर रहे हैं, 18 डेज में। आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, बन जाएंगे आपसे, और ऐसे भी आपके बुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करा भी दिया है, तो बनाएंगे, बन जाएगा, मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 से दैट ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज देन बी अलोन कैन डू इट इन। तो सिंपल सा है, ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, यानी कि दुगना तेजी से करता है, ए के बारे में कहा है कि बी से दुगना, ए करता है एक्स डे में, है ना, तो ये उसका हाफ डे में करेगा। दुगना तेजी से करने का मतलब क्या हुआ, आप जैसे ए आपका एक्स डे टाइम ले रहा है तो बी कितना लेगा, एक्स बाय टू लेगा, हाफ ही नहीं लेगा, जैसे सोच लो, दिमाग लगाने की बात है, ए के बारे में बोला कि इसे डबल रेट से कर रहा है, जैसे ए एक्स डे में फिनिश करेगा तो ये एक्स बाई 2 डेज में करना डबल होगा, ऐसे इसको 2x डे कर दोगे तब तो इससे धीरे धीरे ना काम करने लगा, ये कर रहा है 2 दिन में तो ये 4 दिन में, तो इससे स्लो ना हो गया, ये 2 दिन में कर रहा है तो एक ही दिन में कंप्लीट करेगा, तब ना दुगना तेजी से हुआ, ट्वाइस हुआ, कि अगर ये एक्स डे में फिनिश कराती है एक्स बाई 2 तो ये भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दे चुका है, कितना है ये 12 आपका है, ये भी आप बना लेंगे, बन जाएगा, आसानी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, 6 ए एलोन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज विच बी एलोन कैन डू इट इन 15 डेज इफ दे वर्क टुगेदर एंड फिनिश इट
देन आउट ऑफ टोटल बैग्स ऑफ रुपीज 3000 ए विल गेट। अच्छा सिंपल सा है जिसे क्या है आपका सिंपल सा है, दोनों का रेट के आधार पे मनी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। देख क्या है आपका, ए कितना करता है जी, ए पीस ऑफ बर्फ को कितना दिन में करता है, सॉरी फिर से आ जाओ क्वेश्चन पे, ए एलॉन कैन फिनिश ए पीस ऑफ बर्फ इन 10 डेज व्हाइल बी के बारे में बोला है डू इट इन 15 डेज, ये 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अब बोला है इफ दे वर्क टुगेदर एंड फिनिश इट, तब दोनों साथ साथ काम करेंगे तो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं ना, है ना। तो अगर ये एक दिन में तो 1/10 किया, ये एक दिन में 1/15, तो ये दोनों मिलकर के एक दिन में 1/15 प्लस 1/10, इसको सॉल्व करोगे तो 3/30 आएगा, सॉरी 5/30 आएगा, 5/30 दैट मीन 1/6 आएगा, 15 2 जा 10 3, ठीक है, यानी कि दोनों 6 डे में फिनिश कर रहे हैं, है ना। अब दोनों को मिला कितना जी, दोनों को जो मिला मनी आपको कितना मिला, 3000 रुपीज जो है उन लोगों को मिल रहा है उसके बदले में, है ना। ए को कितना मिलेगा ऐसा कहा गया है, तब जरा सोच लो कि ए को कितना मिलेगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। तो मेहनताना जो है दोनों का जो है इसी के आधार पर मिलेगा, एक दिन में जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, है ना। एक दिन में जो जितना ज्यादा करेगा तो मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों का अगर जो रेशियो ले लें तो उसी रेशियो के आधार पर मनी का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा ना। हमें बी के बारे में पूछा गया है ना, तो देख लो अभी दोनों का रेशियो कितना आएगा, दोनों का रेशियो निकालो ए इज टू बी, काम का रेशियो देख ले रहे हैं, काम जितना एक का काम और बी का काम एक दिन का, तो क्या आ जाएगा आपका 1/10 to 1/15, क्या होगा ये ए बाई बी इक्वल टू, यहां सॉल्व करेंगे तो 15/10 यानी कि 3/2 आया। अगर ए को मिला 3x तो बी को कितना मिलेगा, 2x मिलेगा ना, तभी ना ए इज टू बी का रेशियो आएगा। अब टोटल कितना मिला है 3000, यानी कि 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3000, यहां से निकालोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 600 आ जाएगा, है ना। अब सोच लो ए को मिलेगा 1800 और बी को मिलेगा 1200, क्लियर है। तो ये सवाल था आपका, बन जाना चाहिए था, बन भी गया है, अब आगे आप लोग देखेंगे। आगे देखा जाए 5 नंबर, ए वर्क्स ट्वाइस, और ये तो हो गया 7 नंबर, ए द रेट्स ऑफ वर्किंग ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, दोनों का वर्किंग का रेशियो है 3:4, यानी कि ए 3 दिन में करेगा तो बी 4 दिन में काम करेगा। द नंबर ऑफ डे टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क आर इन द रेशियो ऑफ, बिल्कुल तो सेम ही तो है आपका, वर्किंग का जो रेट है ए का रेट ज्यादा है, ए का रेट कम है, यानी कि ए आपको वर्किंग रेशियो है जी, तो वर्किंग रेशियो है तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। ये वर्किंग का रेशियो देखो 1/10 से चला है ना, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स 4:3 हो जाएगा। सोच लो ना कि ए और बी कितना दिया, 3/4 दिया है, इसका क्या मतलब है वर्किंग रेशियो, कि अगर ए 3x वर्क करता है तो बी 4x वर्क करता है, यानी कि बी आपको ज्यादा काम करता है, ए के तुलना में ज्यादा काम कर रहा है ना, तो टाइम कम कौन लेगा, टाइम बी कम लेगा, जो ज्यादा वर्क करेगा वही ना कम टाइम में फिनिश करेगा, दैट मीन्स रेशियो निकालोगे तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये याद रखेंगे, है ना, ठीक है। तो यहीं तक आज था हमारा, तो आज के लिए इतना ही।